एक बार थी एक सुंदर नाजुक सी लड़की कैरन। वह इतनी गरीब थी कि उसको गर्मी के मौसम में नंगे पैर चलना पड़ता था और सर्दियों में सख्त लकड़ी के जूते, जिसकी वजह से उसके पैर लाल बन गए। गांव के बीचों बीच एक बूढ़े मोची की पत्नी रहती थी। एक दिन उसने कुछ पुराने लाल कपड़ों से लड़की के लिए जूते बनाए। जूते थोड़े अजीब थे, पर लड़की को ठीक से आ गए। उसी दिन कैरन की माँ का अंतिम संस्कार था। इस दिन के लिए ये लाल जूते ठीक नहीं थे, पर कैरन के पास और कोई नहीं थे, तो वह लाल जूते पहने अपनी माँ के ताबूत के पीछे चलती गई। उसी समय एक घोड़ा गाड़ी वहां से गुजरा, जिसमें से एक महिला ने कैरन को देखकर तरस खाया। इस लड़की को मुझे दे दो, कहा महिला ने पादरे से, मैं इसका ख्याल रखूंगी। कैरन को लगा ये सब उसके लाल जूतों की वजह से हुआ, पर महिला को जूते बहुत भयानक लगे और उनको तुरंत जला देने का आदेश दिया। फिर कैरन को साफ सुथरे कपड़े में तैयार किया। कुछ दिनों बाद महारानी और उनकी छोटी बेटी गांव में आए यात्रा पर। सारी भीड़, जिनमें कैरन भी थी, जमा हुए महल के बाहर छोटी राजकुमारी को देखने के लिए, जो सफेद गाउन पहने अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसके सिर पर कोई ताज नहीं था, पर उसने पहने थे खूबसूरत लाल रंग के मोरक्को के जूते, जो कैरन के जूते से कई ज्यादा सुंदर थे। अब कैरन बड़ी हो चुकी थी, उसके बपतिस्मा का समय आ गया, तो उसके लिए नया फ्रॉक और जूते चाहिए थे। मोची ने उसके पैर का माप लिया अपने दुकान पर, जहाँ थे कई सुंदर जूते और बूट। उनमें से थे एक लाल जूते का जोड़ा, जो बिल्कुल राजकुमारी के जूतों की तरह था। बूढ़ी महिला को ठीक से नहीं दिखाई देता था, तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। क्या ये चिकनाए हुआ चमड़ा है जो इतना चमक रहा है? हाँ वाकई कितना चमक है इसमें। और ये जूते उसके पैरों में बराबर आए, तो खरीद लिया। बूढ़ी महिला को पता ही नहीं लगा कि ये जूते लाल रंग के थे, नहीं तो वह उसको चर्च में लाल रंग के जूते कभी पहनने नहीं देती। सब लोगों की नजर कैरन के जूतों पर ही थी। जब कैरन वेदी की ओर चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्राचीन पुतले, तस्वीरों में लोग, सबकी नजर उसके जूतों पर ही थी। जब पादरे ने उसके सिर पर हाथ रखकर उपदेश दिया कि वह अब कैसे एक जिम्मेदार ईसाई है, कैरन सिर्फ अपने लाल जूतों के बारे में ही सोच रही थी। दोपहर में जब बूढ़ी महिला ने सबको कैरन की लाल जूतों के बारे में बात करते सुना, तो उसने कैरन को डांटा कि ये सही नहीं है और उसको चर्च के लिए हमेशा काले रंग के जूते ही पहनने चाहिए। अगले दिन कैरन का पहला कम्युनियन था। उसने अपने काले जूते देखे, फिर लाल, फिर काले, अंत में उसने लाल जूते ही पहन लिए। कैरन और बूढ़ी महिला चर्च की ओर मकाई के खेत के रास्ते से जा रहे थे। चर्च के दरवाजे पर था एक बूढ़ा सिपाही, जिसकी थी लंबी लाल रंग की दाढ़ी। वह बूढ़ी महिला के आगे प्रणाम करते हुए झुका और पूछा अगर वह उसके जूते साफ करे, पर कैरन ने उल्टा अपना पैर आगे किया। अरे वाह, कितने अच्छे नाचने वाले जूते हैं, बोला सिपाही ने। देख के रहना, नाचते समय फिसल ना जाओ। और सिपाही ने उसके जूते साफ किए। बूढ़ी महिला ने उसको एक सिक्का दिया और फिर कैरन के साथ चर्च के अंदर चली गई। जब कैरन प्रार्थना के लिए अपने घुटनों पर आई, तो उसके दिमाग में सिर्फ लाल जूते थे और वह अपना प्रार्थना भी भूल गई। घर वापस जाने के समय जब कैरन ने अपना पैर आगे किया घोड़ा गाड़ी में चढ़ने के लिए, तब सिपाही ने फिर से कहा, देखो कितने सुंदर नाचने वाले जूते हैं। और कैरन अचानक से नाचने लगी। ऐसा लग रहा था कि जूते अपने आप नाच रहे थे और कैरन कुछ नहीं कर पाई।
गाड़ी वाले को उसके पीछे दौड़ना पड़ा उसको पकड़ के अंदर बैठाने के लिए, पर कैरन के पैर रुके ही नहीं, बूढ़ी महिला के पैरों पर भी चढ़ गई। जब जूते पैर से निकाल दिया तब रुकी कैरन। जूतों को अंदर कोठरी में बंद कर दिया गया, पर कैरन से रहा ही नहीं गया जूते देखने के लिए। जल्द बूढ़ी महिला बीमार हो गई और सुनने में आया कि अब वह ठीक नहीं हो सकती। अब महिला का ख्याल कैरन को ही रखना था और वह भी अपनी जिम्मेदारी जानती थी। पर एक दिन शहर में एक रॉयल बॉल होने वाला था जिसके लिए कैरन को भी निमंत्रण मिला। कैरन ने बीमार महिला की ओर देखा और फिर अपने लाल जूतों की तरफ। उसने जूते पहन लिए ये सोचते हुए कि ऐसा करने में कुछ गलत तो नहीं है, और वह बॉल चली गई। अजीब बात थी कि अगर वह दाएं तरफ जाने की कोशिश की तो उसके पैर उसको बाएं की ओर ले गए। जूते उसको सीढ़ियों के नीचे खुद ले गए और दरवाजा के बाहर सड़कों पे जहाँ पर वह नाचती ही गई। रात के अंधेरे में पेड़ों के बीच उसने कुछ चमकते हुए देखा, सोचा शायद लाल रंग का चांद है, पर नहीं, वो था वो लाल दाढ़ी वाला सिपाही जो अपना सिर हिलाते हुए बोला, देखो कितने अच्छे नाचने वाले जूते हैं। कैरन घबराकर परेशान हो गई और जूतों को निकालने की पूरी कोशिश की, पर जूते उसके पैरों से चिपक गए, तो कैरन बस नाचती गई खेत के उस पार, धूप में, बरसात में, दिन और रात। कैरन रुकना चाहती थी पर उसको कोई आराम नहीं मिला। नाचते हुए वह चर्च के अंदर गई जहाँ पर उसने एक फरिश्ता को देखा, लंबे सफेद वस्त्र पहने, हाथ में चमकती हुई तलवार लिए, तेज नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, तुम नाचोगी अपने लाल जूतों में जब तक तुम फीकी और ठंडी ना पड़ जाओ, जब तक तुम्हारा शरीर एक कंकाल ना बन जाए, घर घर तुम नाचती रहोगी। दया करो, रोई कैरन, पर वह फरिश्ते का जवाब सुन नहीं पाई क्योंकि उसके जूते उसको दरवाजे के बाहर ले गए। एक सुबह वह अपने घर के दरवाजे से गुजरी तो उसने देखा कि वहाँ से किसी की अर्थी उठ रही थी। कैरन को पता चल गया कि उसकी बूढ़ी महिला अब चल बसी। मन ही मन कैरन टूट गई और उसको लगा जैसे अब हर किसी ने उसको छोड़ दिया है और वह अकेली पड़ गई। अंत में वह नाचते हुए एक जल्लाद के घर के पास गई और बोली, बाहर आइए, बाहर आइए, मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे नाचना है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ? जी हाँ, पर मेरी गर्दन नहीं काटना क्योंकि मुझे अपने कर्मों के लिए पछताना है, बस मेरे पैर काट दो ताकि मैं इन जूतों से छुटकारा पा सकूं। कैरन ने अपनी गलती मान ली और जल्लाद ने अपने हथियार से जूते कैरन के पैरों से हटा दिए। जो उछलते हुए जंगल की ओर जा गिर पड़े। कैरन को लगा जैसे उसके पैर भी चले गए। उन लाल जूतों की वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, अब मैं चढ़ जाऊंगी जहाँ पर लोग मुझे देख पाए। पर चर्च के पास जाते ही कैरन ने वही लाल जूते नाचते हुए देखे और वह डर कर वहाँ से भाग गई। हफ्ते भर वह पछताती रही और रोती गई। जब रविवार आया तो कैरन ने कहा, अब तो शायद मैंने पछता लिया है और चर्च के बाकी के लोगों की तरह मैं भी अच्छी बन गई हूँ शायद। हिम्मत जुटाकर वह चर्च गई, पर द्वार पर पहुँचने पर वो लाल जूते वहीं पर थे नाचते हुए। भयभीत होकर वो वापस मुड़कर चली गई, दिल में अपने पाप का डर लिए। फिर वह गई एक पास्टर जी के घर और उनसे भीख मांगी उनके परिवार के सर्विस में उसको लेने के लिए। पास्टर की पत्नी ने उस पर तरस खाया और उसको आने दिया। पूरा मन लगाकर वह पास्टर का उपदेश और पवित्र ग्रंथ सुनने लगी। फिर से रविवार के दिन सब लोग चर्च के लिए हुए तैयार और कैरन से पूछा कि वह उनके साथ आएगी। उदास होकर कैरन उनको उसके बगैर जाने को कहा।
अपने छोटे से कमरे में जाकर वह ग्रंथ पढ़ने लगी, साफ मन और दिमाग से। कैरन की आंखों में आंसू आ गए और वह रो पड़ी। ईश्वर मेरी मदद करो। अचानक से सूरज धमकने लगा और वह सफेद फरिश्ता वापस आ गया। उसके हाथ में अब तलवार नहीं बल्कि एक गुलाब की डाली थी। फरिश्ते ने उस डाली से छत को छुआ और छत ऊंचा होने लगा। जहाँ जहाँ ये डाली गया वहाँ वहाँ एक सितारा चमकने लगा। फरिश्ते के दीवार छूते ही दीवार चौड़ा होने लगा और अचानक से कैरन चर्च के बैठक को देख पाई। शायद चर्च उसके छोटे से कमरे में ही आ गया या वो खुद चर्च में प्रकट हो गई। वह अपने पास्टर के परिवार के साथ बैठी थी और जब उपदेश समाप्त हुआ तो परिवार वालों ने कहा, तुमने चर्च आकर अच्छा किया कैरन, ये ईश्वर की दया है। ऑर्गन बजने लगा और गायक मंडल के बच्चे अपनी मीठी आवाज में गाने लगे। सूरज की किरणें खिड़की से कैरन के ऊपर छा गई। उसके दिल में जैसे एक सुकून पैदा हो गया, जैसे वह एक खुशी और शांति की जगह पहुंच गई जहां पर लाल जूते के बारे में बोलने या पूछने वाला अब कोई नहीं रहा।